और बात धनबाद की करें, धनबाद में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। घर दुकान खटाल जो भी था सबको जमींदोज कर दिया गया। रिपोर्ट देखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अतिक्रमण जमींदोज। पीले पंजे ने गिरा दिया घर, धीरे धीरे एक एक ईंट उखाड़ दी। घर दुकान सब मिट्टी में मिल गए। रेलवे की जमीन से हटाया अतिक्रमण। लंबे समय से धनबाद रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों के मकानों पर रेलवे ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दरअसल कई सालों से स्थानीय लोगों की ओर से रेलवे की जमीन पर कब्जा कर घर और दुकान बना रखा था, जिसे लेकर रेलवे ने कई महीने पहले जगह खाली करवाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं किया और इस मामले में कब्जा खाली करवा रहे किसी भी अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बंधवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे धनबाद, सहयोगी अरुण बंधवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, जिस तरीके से अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने, आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन तमाम घरों और दुकानों को जमींदोज कर दिया। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह धनबाद रेल मंडल रेल प्रशासन ने अपने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो भूली हॉल्ट पे जो सालों से अतिक्रमण करके अपने घर और दुकान बनाकर रह रहे थे उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है, वो इस बात की ओर संकेत दर्शाता है कि रेलवे अब अपने जमीन पर से पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने की पहल आरंभ कर चुका है। आज ये भूली हॉल्ट के समीप की घटना है, जहां लगभग एक दर्जन से अधिक दुकानें और उस एक ऐसा भी मकान तोड़ा गया जिसके ऊपर में लोग रह रहे थे और नीचे दुकान थी। तो रेलवे जो सालों से ये जो चूँकि पक्का स्ट्रक्चर खड़ा किया था, सालों से यहाँ अतिक्रमण करके लोगों ने घर बना लिया था, दुकानें बना ली थी और ये ठीक भूली हॉल्ट के समीप है और रेलवे बराबर इनसे इन सबों को हटने की नोटिस करता रहा और अंततः आज जाके इस तरह की कार्रवाई की है। क्योंकि यहाँ पर अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये रेलवे ने थोड़ी सी सख्ती बरती है, लेकिन जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चूंकि रेल अपनी परिसंपत्तियों को पूरी तरह से मुक्त करना चाहता है, क्योंकि और इसके विस्तारीकरण की योजना है और पटरियों के ऊपर जिस तरह के लोग धीरे धीरे अपने पटरियों से सटते जा रहे हैं, जो किसी भयानक खतरे को का संकेत हो सकता है, उससे भी बचने के लिए इस तरह की कार्रवाई रेलवे ने आरंभ कर दी है। तो हम ये मान सकते हैं कि अब रेलवे अब अपने अपने जो जमीन को है पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की मुहिम में जुट गया है, जिसके ये भूली हॉल्ट के समीप की यह घटना सिर्फ बांधी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने, प्रशासन ने आज कार्रवाई करते हुए उन तमाम अतिक्रमण जो किया हुआ था दुकान घर उन्हें तोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।